तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में स्क्विड गेम मोड आ चुका है। देखते हैं मुझे स्क्विड गेम मोड खेलने के लिए क्या क्या मिशन करने पड़ेंगे। तो जल्दी से चैलेंज पे क्लिक करते हैं और भाई देखते हैं इतने सारे मोड आ चुके हैं। जायंट एलियन स्क्विडी टॉयलेट और सैलिना मोड भी है और स्क्विड गेम मोड भी है। तो जल्दी से स्क्विड मोड पे क्लिक करते हैं और ये भाई गेम स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और गेम के अंदर घुसते हैं। मुझे लगता है स्क्विड गेम मोड खेलने के लिए हमें कुछ मिशन करने पड़ेंगे। और तो भाई हम पुलिस स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं स्क्विड गेम मोड खेलने के लिए मुझे क्या क्या करने पड़ेंगे और क्या क्या हमें मिशन करने पड़ेंगे, क्योंकि मिशन करने के बाद ही तो स्क्विड गेम मोड ओपन होगा। कंप्लीट 3 मिशन फॉर अनलॉक स्क्विड गेम मोड, चेक योर फ़ोन। तो जल्दी से भाई फ़ोन चेक करते हैं। तो किल भाई 5 NPC in 1 minute। तो गाइस हमें मिशन कंप्लीट करने के लिए 5 NPC को मारना पड़ेगा, वो भी 1 मिनट में। तो मैंने गन सेलेक्ट कर लिया। तो भाई गन सेलेक्ट करते ही भाई टाइमिंग शुरू हो गई, भाई 1 मिनट की टाइमिंग शुरू हो गई। जल्दी जल्दी से NPC को मारते हैं। तो भाई पहला NPC हमें दिख चुका है, जल्दी से इस पर निशाना लगाते हैं। तो फर्स्ट NPC को हमने किल कर दिया है। तो जल्दी से सेकेंड NPC को भी मारते हैं। तो लो हमने सेकेंड NPC को भी मार दिया। अब जल्दी से थर्ड को देखते हैं, थर्ड कहाँ पर मिलेगा। तो मेरे पास बचे हैं 42 सेकेंड। तो जल्दी से NPC को देखते हैं। भाई हमें NPC दिख चुके हैं। तो जल्दी से रिडार पर जाते हैं। भाई रिडार में आ नहीं रहा, तो भाई जल्दी से दूसरा NPC देखते हैं। तो जल्दी जल्दी से NPC ढूंढते हैं, क्योंकि हमें मिशन कंप्लीट करना है। भाई हमारे पास 31 सेकंड बचे हैं। तो जल्दी से NPC को ढूंढते हैं और किल करके मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई नीचे पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है, पर हमें NPC नहीं मिला। तो भाई हमें NPC दिख चुका है, जल्दी से उस पर निशाना लगाते हैं। और हमारे पास 19 सेकंड बचे हैं। तो भाई हमने थर्ड NPC को भी किल कर दिया है। अब हमारे पास 15 सेकंड बचे हैं। तो भाई फोर्थ NPC भी दिख चुका है, जल्दी से इसे किल करते हैं। तो भाई हमने फोर्थ भी हमने NPC को किल कर दिया है। अब हमें लास्ट किल करना है बस, और हमारे पास बचे 4 सेकंड। तो जल्दी से करते हैं, तो जल्दी से इसे किल करते हैं। तो भाई हमने किल कर दिया और हमें लिखा हुआ भी आ गया कॉन्ग्रेचुलेसन, भाई हम कहाँ स्पॉन हो चुके हैं। तो भाई मैं तो भाई यहाँ बिग रैम पे स्पॉन हो चुका हूँ। अब जल्दी से देखता हूँ और यहाँ पे क्या क्या हमें मिशन करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इस बार हमें क्या मिशन करने को मिलेगा। तो जल्दी से हम फ़ोन चेक करते हैं। तो भाई फ़ोन हमने चेक करे तो डिस्ट्रॉय 5 cars in 1 minute, भाई हमें 1 मिनट में 5 कार को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम गन सेलेक्ट करते हैं। भाई गन सेलेक्ट करते ही हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी जल्दी से कार ढूंढते हैं। भाई सामने 2 कार दिख चुकी है हमें। तो भाई हमने निशाना लगाया, भाई पहला निशाना हमारा चूक चुका है, भाई दूसरा भी चूक चुका है। तो जल्दी से भाई मुझे लग रहा है हमारा टाइम ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। ऐसे हमने फर्स्ट कार को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब जल्दी से नेक्स्ट कार को देखते हैं। तो भाई हमारे पास 40 सेकंड बचे हैं। तो जल्दी जल्दी से हमें ये कार को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो भाई सेकंड कार को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब जल्दी से थर्ड करते हैं। भाई ये थर्ड कार काफ़ी तेज़ी से चल रही है, लग रहा है ये वाली हो नहीं पाएगी, पर कोई नहीं। हमारे पास अभी 28 सेकंड बचे हैं। तो जल्दी जल्दी से हम 3 कार को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो भाई हल्का सा चूक गया वाला भी। तो भाई हमने थर्ड कार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब जल्दी से 2 कार को और डिस्ट्रॉय करते हैं, और हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो जल्दी से रैम की दूसरी तरफ चलते हैं और कार को देखते हैं और कार को डिस्ट्रॉय करेंगे। भाई सामने हमें रेड कार दिख चुकी है, जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो भाई हमने 4th कार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और भाई हमने 5th कार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई कंग्रेचुलेशन लिखा भी आ गया। भाई हम कहाँ स्पॉन हो चुके हैं इस बार, बस देखते हैं भाई। तो भाई हम तो अपने ही घर में स्पॉन हुए हैं। तो देखते हैं गाइस हमें अपने ही घर पर क्या क्या मिशन करने को मिलेंगे। तो जल्दी से मिशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से पहले हम बाहर की तरफ जाते हैं। तो जल्दी से चलते हैं बिना किसी देरी से। तो जल्दी से अपना फ़ोन को चेक करता हूँ मैं। तो फ़ोन को निकालता हूँ मैं। भाई फ़ोन में एक लोकेशन आई है, भाई स्क्विड गेम के 2 बंदे भी दिख रहे हैं और वो डोल भी दिख रही है स्क्विड गेम वाली। तो जल्दी से लोकेशन में पहुँचते हैं। तो लोकेशन पहुँचने से हमें कार में जाएं या बाइक में जाएं? तो भाई बाइक पे तो क्लिक हो ही नहीं रहा। तो जल्दी से हम अपनी पोस्टर पे बैठते हैं। तो जल्दी से पोस्टर में हम बैठ चुके हैं। जल्दी से अपनी पोस्टर को स्टार्ट करते हैं और फिर जल्दी से पहुंचते हैं लोकेशन पे। लोकेशन पे जाने के लिए हमें लेफ्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा, इसका शॉर्टकट रास्ते पे लेके जाएंगे। लोकेशन पहुंच के मुझे जल्दी से स्क्विड गेम मोड खेलना है। तो जल्दी जल्दी से हम जल्दी चलते हैं लोकेशन पर। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो जल्दी से अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं। तो भाई मेरी पोस्टर के साथ एक्सीडेंट हो गया NPC का। जल्दी से चलते हैं अपनी टूटी पोस्टर के साथ लोकेशन पर। बस कुछ ही देर में हम अपनी लोकेशन में पहुंचने वाले हैं और फिर हम खेलेंगे स्क्विड गेम मोड। भाई जो सामने जो जो स्टेडियम दिख रहा है, इसके अंदर हम स्क्विड गेम मोड खेलने वाले हैं। तो जल्दी से इसके गेट पर जाते हैं और अपनी मेरी पोस्टर थोड़ी टूटी फूटी है तो गेट पर इसको खड़ी कर देंगे, और फिर जल्दी से चलते हैं अंदर को। ये अंदर हमें स्क्विड गेम मोड खेलने को मिलेगा। तो जल्दी से अंदर चलते हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अंदर। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं खड़ी कर देते हैं। तो इससे आगे का सफ़र हमें पैदल पार करना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं स्टेडियम के अंदर और स्क्विड गेम मोड का जल्दी खेलते हैं।
तो जल्दी से मैं रनिंग करता हूँ, चलता हूँ अंदर को, जिससे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और हम जल्दी से खेलेंगे स्क्विड गेम मोड। तो हम भाई अंदर आ चुके हैं। भाई अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, आसपास तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ना मुझे वो डोल दिख रही है, ना वो डोल के साथ के एनिमी दिख रहे हैं। तो लग रहा है मैं टाइम से पहले पहुंच गया क्या? तो भाई मुझे लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर खेलेंगे स्क्विड गेम मोड। तो देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा। तो भाई गेम स्टार्ट हो चुका है। भाई भाई डोल भी है और एनिमी भी है। वो लगता है मैं एनिमी बनाऊँ क्योंकि सामने प्लेयर तो सामने खड़े हैं। तो मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। सामने जो प्लेयर दिख रहे हैं उनको मुझे गाना बंद होते ही इनको मारना है। तो गाना बंद हो चुका है और लोगों ने मारना शुरू करा, पर मेरा निशाना लगा नहीं। इस बार म्यूज़िक रुकने पर मैं सभी प्लेयर को मारने वाला हूँ। तो भाई गाना रुक चुका है, मैं जल्दी से मारते हैं भाई। तो मैंने कई सारे प्लेयर को मार दिया है। तो गाइस मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस बार गाना रुकते मैं फिर से गोली चलाना शुरू कर दूंगा। तो भाई मैंने काफ़ी सारे लोगों को फिर से मार दिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ गिने चुने 5 लोग बचे हैं, इनको भी ख़त्म कर देंगे गाना बंद होते ही। तो भाई लो इस बार भी मैंने 2 को मार दिया है, अब देखते हैं। तो भाई 2 बज रहे हैं, इस बार गाने रुकते इनको दोनों को ख़त्म कर दूंगा। तो भाई इस बार मैंने 1 को ख़त्म कर दिया, अब 1 बचा है, तो इसको भी ख़त्म करते हैं, देखते क्या होगा आगे। तो भाई इस पर हेड मारने वाला है इस बार मैं। ये लो भाई हेड मार दिया। भाई सब तो डिसक्वालीफाइड हो चुके हैं, तो गेम लग रहा है यहीं ख़त्म हो चुका है।